हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विशाली। सो गाइस, आज की जो वीडियो है ये होने वाली है एक रिव्यूड वीडियो, और आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू करने वाली हूँ एक ऐसे फाउंडेशन का जो मार्केट में बहुत ही ज्यादा उसके ब्रांड ने तहलका मचाया हुआ है। ये जो ब्रांड है ये काफी जाना वाना ब्रांड है, कोई न्यू ब्रांड नहीं, काफी पुराना ब्रांड है। बट इस ब्रांड का कोई भी फाउंडेशन जो है वो मैंने पहले यूज नहीं करा था। और बात करी जाए इस फाउंडेशन को लेने के पीछे का रीजन, मुझे बस इस ब्रांड का एक बार ये फाउंडेशन को ट्राई करना था। मुझे देखना था कि इस ब्रांड में ऐसा क्या है, क्या है इसके इस फाउंडेशन में जो ये इतना ज्यादा फेमस है। मैंने परचेज करा है नायका से। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली है कौन सा। सो ये है लॉरियल का, जो कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में आता है, और इसका नाम है लॉरियल पेरिस इनफेलिबल 24 आवर्स फ्रेश वेयर फाउंडेशन। तो गाइज, ये जो फाउंडेशन है ये एक तरह से क्लेम करता है कि 24 आवर्स तक आपकी स्किन में बहुत ही अच्छे से फिट रहेगा और बिल्कुल भी स्मज नहीं करेगा, बिल्कुल भी आपके फेस में एक केकीनेस नहीं लाएगा। और ये सबसे जो इसमें जो सबसे अनोखी चीज थी वो ये थी कि ये एक ऑक्सीजन टेक्नोलॉजी वाला ये फाउंडेशन बताया गया है, जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी क्लियरली करा हुआ है। एक चिप लगी हुई जिसमें लिखा हुआ है न्यू ऑक्सीजन टेक्नोलॉजी। तो गाइज, न्यू ऑक्सीजन टेक्नोलॉजी बेसिकली है कि ये आप लोगों ने काफी सारे ऐसे मेकअप्स देखे होंगे, काफी सारे ऐसे लोग देखे होंगे, सेलिब्रिटीज देखे होंगे, जिनके फेस में जो मेकअप होता है कुछ टाइम के बाद केकी लगने लगता है। और केकी तो एक अलग चीज हो गई, बट उनके फेस में जो मेकअप होता है, फाउंडेशन जो होता है वो ग्रे पड़ने लग जाता है। तो देखिए, ऑक्सीडाइज्ड होना फाउंडेशन का वो डिपेंड करता है स्किन टू स्किन। सबसे पहले तो मैं ये चीज बता दूं, कहीं लोग होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज्यादा स्वेट निकलता है जिनकी स्किन से, तो उनका ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी उनका फाउंडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो फाउंडेशन होता है वो ग्रे या कुछ अजीब सा वो लाइट ब्लू सा कुछ शेड देने लगता है। सो ये उसी चीज के लिए है, उसी टेक्नोलॉजी को इसमें डाला गया है कि जिससे आपका जो फाउंडेशन होगा वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा और आपके फेस में बिल्कुल फ्रेश लगेगा 24 आवर्स के लिए। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन होने वाला है। मैंने इस फाउंडेशन को पहले इस्तेमाल नहीं करा है, हालांकि जो मैंने मेकअप कर रखा है वो इसी फाउंडेशन से कर रखा है, और जो मैंने अपना फर्स्ट इंप्रेशन लिया है उसको मैंने सारा का सारा कैप्चर करा है, उसका भी मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूंगी। तो देख लेते हैं इस फाउंडेशन को। ये फाउंडेशन कुछ इस तरीके की आप लोगों को ग्लास पैकेजिंग के साथ मिलेगा, और जो बहुत ही एक अच्छा वाला ग्लास है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लोकल सा, तो काफी अच्छा है। बात करी जाए इसके, यहाँ पे फ्रंट में सारा कुछ लिखा हुआ है इसका नेम वगैरह, एंड बैक साइड में अगर हम इस साइड में बात करें तो यहाँ पे इन्होंने इनका जितना भी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, मैन्युफैक्चरिंग जो डेट है गाइज इसकी, ये को 3 ईयर्स की शेल्फ लाइफ के साथ मिलेगा, तो 3 ईयर्स तक आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये मिलेगा आपको MRP 1200 रुपीज में। तो 1200 रुपीज में 30 ml की आप लोगों को क्वांटिटी मिलेगी। आई फील दैट कि 1200 रुपीज ही काफी ज्यादा है इसका, मुझे थोड़ा सा हाई लगा। और आप लोगों को अभी सेल में काफी अच्छी उसमें रेंज में मिल जाएगा। मैंने नायका से परचेज करा था, जो मुझे ये 900 रुपीज का नायका में सेल में मिला था। तो अगर आप चाहें तो आप अलग अलग वेबसाइट में परचेज कर सकते हैं, वहां पे कभी ना कभी सेल तो लगती ही रहती है। पर्पल में आप ट्राई कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह में, अमेजोन में। मेरे को ये रिसीव हुआ था तो ये ऐसे ही रिसीव हुआ था, इसके बाहर कुछ नहीं था, बल्कि जो ये चिप थी इसकी ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगी हुई थी, सो दैट इसके जो ये कैप है और जो इसका ये बॉटल है इसको ये काफी अच्छे से सील कर रही थी। सो मैंने इसको ये जब यूज करा तो मैंने इसको निकाल के यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा दिया है। बात करी जाए इसके कैप की, तो ये कैप कुछ इस तरीके का है, और ये एक पंप में मिलता है। सो पंप से आप इजीली अपने प्रोडक्ट को अपने हाथ में, कोई प्लेट में या किसी भी चीज में आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। तो इसका जो ये कैप है, कैप के ऊपर भी यहाँ पे मेंशन करा हुआ है कि आपका जो कलर शेड है वो यहाँ पे मेंशन करा हुआ होगा। तो गाइज, मैंने जो यहाँ पे लिया है, मैंने लिया है यहाँ पे 260 और इट्स अ गोल्डन सन शेड। लॉरियल ने जो ये प्रोडक्ट जब ये लॉन्च करा था तो US में देखा गया है कि इसके 28 to 30 शेड्स हैं जो वहां पे इन्होंने लॉन्च करे हैं, बट इंडिया में इसके सिर्फ 9 to 11 शेड्स ही हैं जो अवेलेबल हैं। तो इसमें बहुत ही कम शेड रेंज मिलता है। अगर आपको एग्जैक्ट अपनी स्किन टोन के लिए चाहिए तो फिर आप लोगों को वो थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो सकती है। आई डोंट नो व्हाई इंडिया में इन्होंने ऐसा क्यों करा, इंडिया में थोड़ी सी और कलर वेराइटी इन लोगों को देनी चाहिए थी, सो दैट हर एक पर्सन अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली इसको यूज कर पाए, क्योंकि इंडिया में जो कलर वेराइटी है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरीके के रंग रूप वाले लोग हैं। और अगर बात करें जो डार्कर शेड्स में जो लोग आते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही फाउंडेशन इन्होंने लॉन्च करा है,
तो उन लोगों के लिए और भी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। शायद यही रीजन था कि मैंने जब ये परचेज करा तो मुझे ये लग रहा है कि ये वाले जो शेड है मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क हो गया है, थोड़ा सा मुझे और लाइट लेना चाहिए था। सो ये रहा फाउंडेशन, इसके 1 पम्प मैं बस लूंगी। लेट्स सी कि ये एक पम्प में कितना कवरेज देता है। तो मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से अप्लाई करूंगी। हाफ फेस पे लगाती हूँ एंड देन आई विल शो यू। ये मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर ले रखा है यहाँ पे एंड देखते हैं कि कितना ये कवरेज करता है। सो ओवरऑल बात करी जाए फिनिशिंग की, तो ये काफ़ी हद तक एक अच्छा सा बेस तो प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कि इसने जो जो डार्क स्पॉट्स थे फेस में उनको तो कवर अप कर ही दिया है काफ़ी हद तक। एंड सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे मैंने कोई फाउंडेशन अप्लाई नहीं करा है और यहाँ पे मैंने अप्लाई करा है। तो दोनों ही साइड में अगर आप देखेंगे तो फिर ये एक बहुत ही नेचुरल सा लुक दे रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने बहुत सारा फाउंडेशन अपने फेस पे लगाया है, और काफ़ी अच्छा सा ये कोई लुक इसने दिया है। सो अब मैं फेस कर लेती हूँ अपना दोनों को दोनों कवर अप। देखिए गाइस, बात करी जाए ओवरऑल फाउंडेशन की तो फाउंडेशन ने काफ़ी अच्छा एक बेस प्रोवाइड करा है, एक ग्लोई सा लुक भी दे रहा है मेरे फेस में। बट मुझे एक चीज़ मुझे लग रही है कि शायद से जो ये शेड है ये मेरे फेस के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट फिट नहीं बैठ रहा है। इन शेड से मैंने एक शेड डार्कर ले लिया है और मतलब जो मेरा एक्चुअल जो स्किन टोन है ये मुझे लग रहा है कि उससे भी ज़्यादा ये थोड़ा सा मतलब यू नो डार्क है। तो मैंने यहाँ पे अपना शेड चूज करने में थोड़ा सा गलती कर दी है। एनीवे इसके ऊपर मैं अभी कंसीलर अप्लाई करूंगी और बाकी सारी चीजें अप्लाई करूंगी तो थोड़ा सा ये फेस को एक बिल्डअप कर देगा। और अगर आपके फेस में और भी ज्यादा पिगमेंटेशन है, प्रॉब्लम्स हैं एक्ने स्कार्स की, और बहुत ज्यादा अगर आपको लगता है कि आपके फेस में डिसकलरेशन है तो आप इसको जो ये फाउंडेशन है इसका 1 सेकेंड कोट भी अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट एक अच्छा सा आपको कवरेज मिल जाए। ओवरऑल अगर फिनिशिंग की बात करी जाए तो मुझे ये फाउंडेशन काफी अच्छा लगा है। अब मैं आपको पूरा एक मेकअप करके दिखा बात देती करी हूँ। जाए ओवरऑल इस प्रोडक्ट की, मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा। मतलब काफ़ी अच्छी फिनिशिंग देता है फेस में और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ आर्टिफिशियल सा नहीं लग रहा है। बहुत ही मतलब नेचुरल सी एक स्किन लग रही है इसको अप्लाई करने के बाद। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, ऐसा नहीं है कि स्किन में बहुत ज़्यादा ये हार्ड लग रहा है या यू नो एक होता ना केकीनेस से जो फेस में आती है वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बहुत ही एक स्मूथ सा इसने फिनिशिंग दिया है मेरे फेस में और मैंने इसमें किसी भी तरीके का कोई इल्यूमिनेटर भी नहीं मिक्स करा, बट फिर भी मेरे फेस में काफी अच्छा सा एक ग्लो प्रोवाइड इसने करा है। सो ओवरऑल इस प्रोडक्ट की बात करें डेफिनेटली इट्स अ यस फ्रॉम माय साइड। मैं इसको 10 आउट ऑफ 9 मार्क्स देना चाहूंगी। बस इसमें बस एक मुझे यही कमी लगी कि इसमें और रेंजेस और जो इसमें जो शेड्स हैं वो होनी चाहिए थी सो दैट इंडियन स्किन टोन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो गाइज यही था मेरी आज की वीडियो में। कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कॉमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मुझे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। टिल देन टाटा।